दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने हरियाणा के रोहतक से 29 वर्ष के एक गैंगस्टर को गिरफ्तार किया है जो भगोड़े हिमांशु भाव के गिरोह का सदस्य है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसकी पहचान विक्की उर्फ सोनू के रूप में हुई है। सोनू हिमांशु भाव के गिरोह का एक्टिव सदस्य है और इसी साल अप्रैल से फरार चल रहा है। सोनू की आपराधिक मामले की बात करें तो उसकी लिस्ट काफी लंबी है। पुलिस के अनुसार सोनू पर हरियाणा और दिल्ली में हत्या के प्रयास और सशस्त्र अधिनियम के 5 मामले दर्ज हैं। इसने फरीदाबाद में अपने साथियों के साथ मिलकर पुलिस दल पर हमला करने का प्रयास किया था। दिल्ली पुलिस को बीते दिनों ऐसी सूचना मिली थी कि सोनू हरियाणा स्थित अपने गांव रिटोली में मौजूद है, जिसके बाद पुलिस ने उसे दबोचने का प्लान बनाया और जाल बिछाकर सोनू के भागने की कोशिश के बावजूद उसे पकड़ लिया गया, जिसके बाद अब वो पुलिस की गिरफ्त में है। बताते चले कि सोनू हिमांशु भाव गिरोह का काफी खास मेंबर है। हिमांशु की बात करें तो इसके ऊपर हरियाणा और दिल्ली में हत्या, रंगदारी, मारपीट और सशस्त्र अधिनियम के 50 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। हिमांशु भाव गिरोह ने हाल ही में अपनी आपराधिक गतिविधियों को दिल्ली तक फैलाया है। बताया जा रहा है कि हिमांशु भारत से फरार होकर स्पेन में कहीं छिपा बैठा है, जिसकी दिल्ली और हरियाणा पुलिस समेत कई एजेंसियां तलाश कर रही हैं।